next I'm going to prepare besan barfi. So for that I am taking gram flour which is called besan. So मैंने लिया है केमो का बेसन जो यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर है. आप कोई भी बेसन घर का बेसन भी ले सकते हैं. और उसके साथ ये है कैडमियम पाउडर और सम चॉप्ड ऑलमंड्स एंड कैशू. सो इनको मैं फाइनली चॉप्ड कर लेती हूँ. और इसके साथ हमने लिया है हाफ कप मिल्क एंड शुगर. और साथ में हम इसके लिए यूज़ करेंगे घी, देसी घी. तो ये वही देसी घी जिसमें हमने गुलाब जामुन को फ्राई किया था. तो गाइस बेसन को भूनने से पहले हम अपनी एक ट्रे को अच्छे से ग्रीस करके रख लेंगे घी से. तो इसको लेकर इसको चम्मच से ऐसे अच्छे से पूरे में फैला लेंगे. और आप बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं ताकि जो डिश है उसमें जो हमारी बर्फी है वो चिपके ना. तो यहाँ पर मैंने एक पैन को गर्म कर लिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ देसी घी. ये अप्रोक्सीमेटली 1 कप देसी घी है और जो हमारा बेसन है ये 2.5 कप है. तो इसको भी धीरे धीरे से इसमें जैसे ही ऐड करना स्टार्ट करते हैं. इसको अब धीरे धीरे ऐसे मिक्स करते हुए भूनेंगे बेसन को. बेसन को हमें बहुत ही मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है क्योंकि अगर आप इसको तेज हीट पर भूनेंगे तो ये जल्दी से ब्राउन हो जाएगा बट इसका जो फ्लेवर है वो इनहेंस नहीं हो पाएगा. सो इसको आप मीडियम फ्लेम पर ही धीरे धीरे से भूनें. जैसे जैसे घी अच्छे से गर्म होगा तो जो बेसन में इस तरह से गांठें आ रही हैं वो अपने आप ही फूट जाएंगी. और इसको आप इस तरह से मैश करते हुए मिक्स कर दीजिए अच्छे से. जैसे घी गर्म होगा तो घी जो है पूरे बेसन को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेगा और अच्छे से भुनने लगेगा. और जब ये भुनना स्टार्ट होगा तो एक अच्छी खुशबू आएगी बेसन भुनने की. तो इससे आपको पता चलेगा कि बेसन भुनना स्टार्ट हो गया है. और जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक आप इसको भूनिए. बेसन को जो है आंच पर इस तरह से छोड़ना नहीं है क्योंकि अगर आप इसको छोड़ देंगे तो हो सकता है कि बेसन नीचे से जलने लग जाए. इसलिए इसको चलाते रहना है. तो परफेक्ट मिठाई बनाने के लिए आपको बेसन को अच्छे से भूनना होता है. तो अगर आप इसको चलाएंगे नहीं तो हो सकता है कि बेसन नीचे से लग जाए. इसको परफेक्टली इस तरह से चलाते रहें. और जैसे जैसे ये गर्म होगा तो घी अपने आप से मेल्ट होकर अच्छे से पूरा बेसन को भूनने लगेगा. अब जो है बेसन भुनने की अच्छी खुशबू आने लग गई है और बेसन भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से भुन रहा है. मुझे कुछ घी कम लग रहा था तो मैंने इसमें हल्का सा घी और ऐड किया है. तो आप भी इस तरह की कंसिस्टेंसी को देखते हुए अगर घी आपको कम लगे तो आप भी ऐड कर सकते हैं. बट इसको बहुत ही मीडियम फ्लेम पर अच्छे अच्छे से भूनिए क्योंकि अगर बेसन में कच्चापन रह जाता है तो फिर जो मिठाई हम बना रहे हैं उसमें भी अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा. तो इसके अच्छे फ्लेवर के लिए इसको परफेक्टली भुनना बहुत ज़रूरी है. तो अगर हमारा जो बेसन है कच्चा रह जाएगा अगर इसको आप तेज आंच पे एकदम से भून लेंगे तो वो जो खाते टाइम मुंह में चिपकता है और जो पूरा फ्लेवर है वो ख़राब हो जाता है. तो जो बेसन है परफेक्टली भुनने ही वाला है तो मैं इसमें थोड़ी सी किशमिश और ऐड कर रही हूँ ताकि किशमिश भी भुन जाएगी और अच्छे से मिक्स भी हो जाएगी.
और किशमिश जब खाते हुए टेस्ट बीच में आती है तो काफी टेस्टी लगती है बेसन के साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको, तो आप अपनी इच्छा से कोई और भी ड्राई फ्रूट यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे किशमिश यूज की है और बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें मैं डेकोरेशन में यूज करूंगी। सो आप देखिए इसमें जो मैंने किशमिश डाली थी वो अच्छे से फूल गई है और बेसन भी हमारा इवनली पूरा पूरा अच्छे से बुन चुका है और काफ़ी अच्छी खुशबू भी आना स्टार्ट हो गई है। सो अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप्स को। सो गाइस मैंने सारी नाप जो है इस बाउल से ली है, तो चीनी का नाप भी मैं इसी बाउल से लूंगी। हम इसमें ऐड करेंगे 1 बाउल शुगर। और जब आप शुगर ऐड करें तो प्लीज फ्लेम को ऑफ कर दें। इसको इस तरह से आपस में मिक्स करते हुए इस तरह से मिला लें ताकि बेसन और चीनी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। सो गाइस आप देख सकते हैं ये अच्छे से पूरा मिक्स हो चुका है। और मिक्स होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। सो गाइस जब हमारी चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगी हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं और इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क। तो मैंने लिया है 1/2 कप मिल्क है यहाँ। और मिल्क ऐड करने के लिए आप फ्लेम को थोड़ा ऑन कर लीजिए और यहाँ पर थोड़ा मिल्क आप इस तरह से ऐड कीजिए। एक साथ से सारा नहीं डालना है, पहले थोड़ा डालकर तो इस तरह से पूरा मिला देंगे। तो जब आपको लगे कि आपकी जो बेसन है वो पूरा एक साथ से इकट्ठा होने लग गया है इस तरह से, जैसे कि मेरा जो है पूरा नीचे से जो तली है उसको छोड़ रहा है और पूरा इकट्ठा हो रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि जो आपका बेसन है वो परफेक्टली भुना है और बर्फी जो है बिल्कुल बिल्कुल रेडी होने वाली है। सो इसको हम यहाँ पर रख के नेक्स्ट हम अपनी जो ट्रे है उसको यहाँ पर ले लेंगे और इसमें थोड़े से नीचे ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। इस तरह से थोड़े पिस्ता, काजू और बादाम नीचे भी डाल देंगे और बाकी के हम जो है ऊपर की डेकोरेशन के लिए रखेंगे। सो अब हम इसको शिफ्ट करेंगे अपनी ट्रे में। तो गाइस देख लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, तभी आपको परफेक्ट बर्फी मिलेगी। देखिए पूरा जो है ये पर इसको करते टाइम आपको काफी ध्यान रखना है क्योंकि ये काफी गर्म होता है, तो इसको बहुत ही परफेक्टली और ध्यान से कीजिएगा। और इसको इस तरह से आप धीरे 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 पूरे इवनली स्प्रेड कर दीजिए। और इसके साथ ही ऊपर भी ड्राई फ्रूट्स को सजा देंगे। तो ये हैं ऑलमंड्स फाइनली चॉप्ड, कुछ कैशू
साथी पिस्ता। गाइस इस तरह से पूरी जो हमने ऊपर से डेकोरेट की है ड्राई फ्रूट्स को, उसको इस तरह से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। और इस मिठाई को हम सेट होने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, फिर उसके ठंडे होने के बाद ही इसको कट करेंगे। सो गाइस अब हमारी जो बर्फी बेसन बर्फी है वो बिल्कुल जम के सेट हो गई है, ठंडी हो गई है काफ़ी, और ये बिल्कुल सेट हो गई है। देखिए कि बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। तो उसको हम नाइफ की मदद से अपनी इच्छा के अनुसार जो भी शेप्स हमको चाहिए उनको कट कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं इसको डायमंड शेप्स में तो आप इसको डायमंड्स में भी कट कर सकते हैं। और साथ ही ये बर्फी जो है आप घर पर 7 से 8 दिन रखकर आराम से रूम टेम्परेचर पर रखकर खा सकते हैं, ये खराब नहीं होती है। और अगर आपको 7 से 8 दिन से ज़्यादा इसको रखना है तो आप इसको फ्रिज में एयर टाइट बॉक्स में स्टोर करके रख सकते हैं। सो नाउ आप देखिए कि मैंने इसमें अच्छे से पूरा कट कर दिया है, और अब हम इसके पीसेस को निकाल के देखते हैं कि कैसी बर्फी बनी है। और इस तरह से आप आपको प्लेट में सर्व करने के लिए जा लीजिए। तो गाइस देखिए ये जो बर्फी अच्छे से बिल्कुल सेट हो गई है, और ये बिल्कुल टाइट नहीं है, एकदम सॉफ्ट है। और ये इसमें बिल्कुल भी नीचे चिपकी नहीं, आराम से निकल आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।